स्पेशल चने की दाल आज हम बनाने वाले हैं और ये स्पेशल कैसे हुआ वो आपको वीडियो में पता चलेगा। ये दाल बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट होता है और हेल्दी भी बहुत ज़्यादा होता है। इसे बनाने के लिए हम कुकर में पानी डाल रहे हैं, जिसमें हमने 2 कटोरी पानी डाल दिया, ये हमने 3रा कटोरी पानी डाला, ये गया 4था कटोरी पानी और यहाँ पर हमने 1 कप लिया हुआ, 1 कप बड़े साइज वाले कप से चने की दाल, जिसको हमने बहुत अच्छे से धो के साफ़ कर लिया था। इसमें डाल रहे हैं 2 चम्मच हल्दी पाउडर और स्वाद अनुसार नमक, 1.5 स्पून हम डाल रहे हैं नमक, 1 कप उसके अनुसार, दाल के अनुसार। और यहाँ पे हम डाल रहे हैं बंडा, बंडे की सब्जी, भरता, बहुत सारी आपने खाई होगी। आज दाल बनाते हैं, आप बनाइए, बहुत स्वादिष्ट लगेगा। ये हमने डाल दिया काली वाली इलायची को उसके मुंह खोल करके, और 6-7 कलियाँ लहसुन की, 1 चम्मच डाल दिए हमने गोल मिर्च पाउडर, 1/2 चम्मच जीरा पाउडर, और इसके बाद ये गया रेड चिली फ्लेक्स 1 चम्मच के करीब और 1/2 चम्मच धनिया पाउडर। यहाँ पे हम 3 टमाटर को ग्रेट करके डाले हैं, आप चाहें तो इसका पेस्ट भी बना सकते हैं। और ये देखिए सारी चीज़ों को हम मिला लेते हैं, और अब हम जब मिलाएं तो हमें लगा कि थोड़ा सा गाढ़ा है ये, तो और पानी डाल लेते हैं इसमें, और बस इसको हम सेट कर देंगे। 2 से 3 सीटी हम मीडियम फ्लेम में लगाने वाले हैं, ध्यान रखिएगा। ये देखिए 2 से 3 सीटी इसलिए मैंने बोला मीडियम फ्लेम में, क्योंकि चने की दाल को पकने में टाइम लगता है, तो 2-3 सीटी आपको लगानी होगी, हाई फ्लेम में नहीं, मीडियम फ्लेम में, तब जाके ये पकती है। और ये देखिए अब हम तड़का लगा लेते हैं। तड़का के लिए 1 चम्मच देसी घी को हम पहले मेल्ट कर दिए, यहाँ पे हम डाल रहे हैं साबुत जीरा, अलग से इसलिए हम यहाँ पे डाल रहे हैं क्योंकि अगर डायरेक्ट गैस पे डालेंगे ना तो ये बहुत जलने लगता है इसलिए। और ये गया तड़का, और एकदम सिंपल सी, टेस्टी सी, बहुत कम समय में ये दाल बन करके तैयार हो जाती है। ये इजी दाल की टेस्टी वाली हेल्दी वाली रेसिपी आपको कैसी लगी है हमें अपनी राय ज़रूर से बताइए, और अगर आपको पसंद आ रहा है ना बना के खाने के बाद, तो इसे लाइक भी करिएगा और अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को खूब ज़्यादा शेयर करिएगा, और हमारे हमें सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि हम जो भी हेल्दी हेल्दी रेसिपी लाते रहें उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप सभी को मिलते रहे।